हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। ओके, आज क्या सीखने वाले हैं आप? पार्किंग सीखना है। और स्पीड ब्रेकर पे कार को निकालते वक्त हमें कितना क्लच और कितना ब्रेक लेना चाहिए जिससे गाड़ी हमारी कूदे ना, तो आज इसके बारे में मैं इनको बताऊंगा। तो अभी आगे से हमें लेना है लेफ्ट। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, अभी थोड़ा आगे जाके बैक करना, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इसी रोड पे रखो, हाँ, और आगे जाओ धीरे से, और जाओ, बस अब रुको, स्टॉप, बस अब बैक गियर डालो, पूरा फुल राइट खींच के, हाँ लग गया। अब पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दो, फुल स्टीयरिंग घुमा दो लेफ्ट, और अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक करो, ठीक है? अभी आपने स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाई, अब आपका टायर पूरा लेफ्ट घूम गया है। अब अगर बैक गियर में आप जाओगे तो गाड़ी का पिछला हिस्सा लेफ्ट में जाएगा। पहले ब्रेक छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, ब्रेक पूरा रिलीज करो, हाँ ब्रेक पे पैर रहेगा बट दबा नहीं रहेगा, और अपने लेफ्ट वाले शीशे को चेक करते रहो। जाने दो धीरे धीरे, हाँ चलने दो धीरे 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 धीरे, हाँ जाने दो। अभी स्टॉप करो, स्टॉप, अब स्टीयरिंग सीधा करो, हो गया। अब पीछे जाना है आपको, चलो अपने मिरर को चेक करते रहना, हाँ सीधी रखो गाड़ी, एकदम रोड पे सीधी सीधी जानी चाहिए। दोनों साइड मिरर चेक करो, लेफ्ट और राइट वाले। लेफ्ट घुमाओगे तो गाड़ी लेफ्ट जाएगी, राइट घुमाओगे तो, अब ब्रेक को फ्री करो ना, ब्रेक नहीं दबा के रखना, क्लच से गाड़ी कंट्रोल करो, क्लच ज्यादा मत छोड़ो, गाड़ी तेज नहीं भागेगी। अगर आप क्लच ज्यादा छोड़ोगे तो गाड़ी तेज भागेगी। सारा गेम जो है क्लच का ही है भाई, क्लच से गाड़ी को हम धीमा और तेज कर सकते हैं जो नॉर्मल स्पीड होती है। देखो लेफ्ट वाला टायर आपका राइट वाला नीचे उतर गया, आपने शीशा नहीं देखा सही से इसलिए नीचे उतर गया। कितनी गाड़ी नीचे? लगभग 2.5 से 3 फीट नीचे उतर गई। लेफ्ट घुमाओ, इधर और घुमाओ, जल्दी जल्दी घूमी रहने दो। ये साइडें हमको देखनी होती है। अब सीधी करो गाड़ी, फटाफट सीधी करो, बस स्टीयरिंग को माय डियर मुट्ठी बांध के मत पकड़ो। मैं आपको लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं, ये गलत है, इसी वजह से तो स्टीयरिंग घूम नहीं रहा है। अगर आप स्टीयरिंग को टाइट करोगे तो कैसे घूमेगा स्टीयरिंग? हल्का लेफ्ट आओ, बस, हाँ अपने राइट वाले साइड मिरर को चेक करते रहना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपका टायर कहां जा रहा है। हल्का सा लेफ्ट दबा लो, राइट ज्यादा सटा के चला रहे हो, हाँ अभी स्टॉप करो, पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, हाँ अब इसको न्यूट्रल करके पहला गियर करो, चलो जाओ, ब्रेक पूरा रिलीज किया करो माय डियर। आप ब्रेक दबाए रहते हो, डिस्क ब्रेक होता है, समझ रहे हो? जरा सा भी ब्रेक दबा रहेगा गाड़ी नहीं चल पाएगी। अभी यहीं पे आपको रोकना है जब मैं बोलूंगा, अभी स्टॉप करो, पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक। अब मान लो जैसे कि इतनी कम जगह में गाड़ी को आपको घुमाना है, जैसे अभी यहीं से गाड़ी को आपको बैक करके लेके जाना है, इसका मुंह इस साइड करना है, ठीक है? इसका मुंह इस साइड करना, थोड़ा सा गाड़ी और आगे बढ़ाओ, लगभग 1 मीटर और लेके जाओ, स्टॉप, बस अब बैक गियर डालो पूरी तरीके से। अब पहले पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा लो, फुल 90 डिग्री से घूम गई। अब आपको इस वाले मिरर को चेक करना है लेफ्ट वाले। अब आपने स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाया तो टायर आपका पूरा लेफ्ट घूम गया। अब पहले ब्रेक को छोड़ना, फिर क्लच उतना छोड़ो जितने में गाड़ी आपकी रेंगे। जाने दो धीरे धीरे, हाँ बहुत धीरे धीरे, हाँ चलने दो, और जाने दो, अपने लेफ्ट और राइट वाले मिरर चेक करते रहना, और जाने दो, और जाओ, देखते रहो पीछे, और बस। अब देखो राइट में तुम्हारे इतना स्पेस हो गया कि आसानी से गाड़ी उधर टर्न कर सकते हो। अभी पूरी फुल राइट घुमाओ स्टीयरिंग, स्टीयरिंग को हल्के हाथों से पकड़ो मेरे भाई, आप बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हो उसमें, स्टीयरिंग को टाइट नहीं, इसमें कोई बैलेंस नहीं बनाना होता है। चलो जाओ धीरे धीरे, जाने दो, हाँ अभी फिर स्टॉप करो, बैक गियर डाल के यहाँ पे लेके आओ गाड़ी को,
बस स्टॉप करो, अब पूरी राइट घुमा दो, स्टीयरिंग फुल पूरी 90 डिग्री से। चलो जाओ पीछे जाओ, बहुत हल्का क्लच छोड़ना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग को किस साइड घुमाएंगे तो कार का पिछला हिस्सा किस साइड जाएगा। अक्सर लोगों के माइंड में गलत फहमी होती है कि लेफ्ट स्टीयरिंग घुमाएंगे तो राइट जाएगी, राइट घुमाएंगे लेफ्ट जाए, ऐसा नहीं है। क्यों सीधी कर रहे हो अभी स्टीयरिंग भाई, क्यों सीधी कर रहे हो? और जाओ पीछे, जितना ज़्यादा जा सकते हो उतना लेके जाओ, और अब पूरी घुमा लो लेफ्ट। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत कम जगह में अपनी कार को पार्किंग कर सकते हैं। फुल घुमा लो फुल, चलो आ जाओ, गुड। अब सीधा सीधा वहां तक लेके जाओ जहां पे रोड एंड हो रहा है, फिर एकदम बीच रोड पे रखो, बीच रोड पे, ना इधर ना उधर, फिर बैक में सीधा सीधा लेके आना है। बस स्टॉप करो, स्टॉप कर लो, आ जाओ बैक में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि स्टीयरिंग का हमको आइडिया नहीं होता है कि हमें स्टीयरिंग किधर घुमाना और कार का हिस्सा हमारा किधर जाएगा। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि हमारी गाड़ी किधर जा रही है और हमें स्टीयरिंग को किधर टर्न करना है। दोनों साइड बराबर मार्जिन रखना, दोनों साइड बराबर मार्जिन होना चाहिए, रोड के बीच में गाड़ी ये चलनी चाहिए। 100 मीटर पीछे लेके जाओ, फिर वापस लेके आ जाओ। इस तरीके से दोस्तों अगर आप कार को एक बार बैक कर लेते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ये बैक कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इनको दिक्कत आ रही है, बाकी जब 2-3 बार कर लेंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर वही सेम चीज, बैक गियर डालो और वैसे ही गाड़ी को बैक करना जैसे मैंने बताया था। अभी यहाँ स्पेस कम है और मान लो थोड़ी चौड़ी जगह होगी तो आसानी से बैक हो जाएगी। बैक गियर डाला, थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, पहले सीधा सीधा, और बस स्टॉप करो, पूरी लेफ्ट घुमा दो, फुल 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दो। जाने दो फुल, बस ना दीवार में ना भीड़े, इतना लेके जाओ। हाँ, और थोड़ा, और बस, अभी भी आपके पीछे करीब 1.5 फीट की जगह, लेकिन 1 फीट पे नाली है। पूरी राइट घुमा लो, कम जगह में गाड़ी को बैक करने के लिए जो ये तरीका है ना, ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फुल घुमा लो फुल, वापस स्टॉप करो, बैक में लेके आओ। अच्छा थोड़ा सा आगे लेके जाओ, थोड़ा सा और आगे ले जाओ, अभी स्टॉप करो, बैक गियर डालो, लेफ्ट घुमा दो पूरी। फुल घुमा दो लेफ्ट पूरी, कम जगह में गाड़ी को बैक करना है। चलो पीछे ध्यान रखना, ये देखो ये कांड नहीं होना चाहिए जो करा है, ये गलत, बहुत गलत है, गियर बक्सा पूरा खराब हो जाएगा। ये क्लच ना दबाने का तरीका है, पीछे पोल है, ध्यान रखना। हाँ, और जाने दो, और आपको कैसे लग रहा है कि पीछे जगह है नहीं? एक सेकंड, आपको अंदाजा कहाँ से लग रहा है, आपको ये चीज़ कहाँ से श्योर हो रही है कि पीछे कितनी जगह है? यहाँ से क्या समझ में आ रहा है?
आप थोड़ी सी पीछे गर्दन घुमा के देख सकते हो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी आपके पीछे कम से कम 2.5 से 3 फीट का स्पेस है। और आ जाओ, और आओ, और आओ, और आओ, और आओ, बस। अब आपको क्या लग रहा है, अभी भी 6 इंच जगह है। अब यहाँ से क्या फील हो रहा है, डिग्गी से क्या लग रहा है कि गाड़ी टकरा गई? टकरा जाएगी। अभी लगभग जो ये चीज है ना, ये आपको जो चीज यहाँ से दिखेगी ना, वो वहां से नहीं दिख सकती। अब पूरी राइट घुमाओ, पूरी पहले फुल स्टीयरिंग घुमा लो, क्योंकि आगे देखो पोल है। अब ये जो गलती करी ना आपने, पहले ब्रेक को नहीं रिलीज करते हैं, स्टॉप करो, फिर एक बार लेफ्ट घुमाओ, पूरी एक बार में नहीं कट पाएगी, जल्दी जल्दी घुमाओ, फुर्ती से पूरी घुमाओ। चलो बैक में जाओ, लगभग 1 मीटर जाओ पीछे, गुड। अब स्टॉप कर लो, पूरी घुमा लो, बस। स्टीयरिंग को गदेली से घुमाया जाता है, आप बुलेट वाले हाथ दिखाने लगते हो ना, इस वजह से टाइट हो जा रहा है, बहुत हल्का होता है स्टीयरिंग। चलो ले जाओ, गुड। अभी रोको यहाँ पे, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।